यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी। बात सुन रहे, मेरी बात हुई है ये बैठे से, मैं वेट कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन का। प्रिंसिपल प्रिंसिपल बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, इधर थोड़ी सी एक घंटा तू वेट कर लो। क्यों चल रहा है हमने डिमांड रखी अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, महीना हो गया हमें जीडीसी में खजलो। जीडीसी के प्रिंसिपल की ये जिम्मेवारी बनती है, वो प्रिंसिपल सरकार प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्यों नहीं आता सर? बेटे नहीं आता, सुन लो ना पहले, जबरदस्ती थोड़ी होता है। आता है आता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? एमपी के नीचे कोई चीजें आती है, एमएलए के नीचे अलग चीजें आती है, हर एक का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। इसी तरह से प्रिंसिपल जो है वो आपका सैलरी यूनिवर्सिटी से नहीं लेता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां से उनकी सैलरी ड्रा होती है। उनके साथ कोई आपत्ति है, उनके लिए कोई आपको चीज कुछ बतानी है तो उनसे बात करो। बाकी बात करने दो यार, नहीं तो आगे आ जाना। ऐसे नहीं बीच बीच में करना होता, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, ऐसे इलॉजिकल बात नहीं करनी होती, रैशनल बात करो। दूसरी बात हुई आपके जो एग्जामिनेशन सिस्टम है आपका, एग्जामिनेशन सिस्टम वो है आपका यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके रिजल्ट आपके एग्जाम कंडक्ट करना वो यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। सिर्फ इस मुद्दे की बात करो, बाकी आपकी प्रिंसिपल ने बात नहीं सुनी है वो प्रॉब्लम वहां, और दूसरा जो मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारी सर डिमांड है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वो आपका मैंने बोला ना, मैंने जो हमने उधर भी दे दिया, हमने हाई अथॉरिटी के अंडर है प्रिंसिपल सर, छोड़ो उसको छोड़ो, ठीक है। आपके पास मेमोरेंडम पहुंचा, हमें बीसी सर से मिल गया। अभी आपने मेरे को दिया दिए हो, कितनी देर होगी? मैं कितनी देर में थोड़ी वेट कर रहे हैं सर, अभी 2 महीने हो गए वेट कर रहे हैं। आप उनकी बात करो, उनको पूछो, आज आप पहली बार यहाँ पर आए हो मेरे साथ, आपकी कितनी देर बात हुई? एक घंटा हुआ है ना बात करते, उसमें से पौना घंटा आपने एप्लीकेशन लिखने में लगाया, करेक्शन भी करनी है, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पौने घंटे में मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तो आप प्रिंसिपल आप एकदम इतना ज्यादा क्यों हो गए? अभी करो ये करो, जिसको वहां का सुनना है ना वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला ना कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपसे नहीं खेल रहा है, हर चीज के लिए बोलो वाई चांस नीचे आओ, वाई चांस नीचे आओ, ऐसा नहीं होता है, सिस्टम बना हुआ है। आप एक समझदार बच्चे हो, आपको सब पता है, यहाँ से आपने लीडर बन के, लीडर आपने बना, आपने मिनिस्टर बना, एमपी बना, एमएलए, मेरे को बताओ कितने एमएलए एमपी है और मिनिस्टरों को आप, हम लोग ऐसे बात करते हैं, तरीका होता है, हर चीज का स्टेटस होता है। आप लोग हम लोग हर चीज, हर कोई जो कर रहा है ना एक स्टेटस के लिए, एक अच्छी चीज के लिए कर रहा है, ठीक है। बाकी आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं ईशा, ठीक है, हम जम्मू यूनिवर्सिटी आ जाए हैं इस चीज़ के लिए कि ताकि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हुई हैं, तो एग्ज़ाम्स ऑफलाइन क्यों लिए जा रहे हैं हमारे? हम चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम जो है वो भी ऑनलाइन ही हो, क्योंकि पहले हमारा जो था नेट 2G चलता था, उस टाइम हमारे हमें कहते थे कि आप ऑनलाइन क्लासेस दो, ऑनलाइन क्लासेस दो, जब हमारा मतलब हमें कुछ समझ भी नहीं आता था उस टाइम ऑनलाइन, लेकिन अब हमारा 4G चलने लगा है तो अब हमें कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम्स ऑफलाइन दो, तो ये तो हमारे लिए नाइंसाफ़ी है। अगर हम फेल हो जाएंगे, हमारे पेपर कुछ आ जाएगा, फिर से हम पैसे भरेंगे, इतना थोड़ा ना हम कर सकते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे एग्जाम्स ऑफलाइन होने चाहिए बस। माय नेम हरजोत सिंह, मैं आई एम प्रेसिडेंट ऑफ आरसपुरा डिग्री कॉलेज। आज हमारे साथ सारे जीडीसी आरसपुरा के बच्चे इकट्ठे हुए हैं, ऑल ओवर जीडीसी जो इस टाइम जम्मू में है वो सारे इकट्ठे हुए हैं। हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिमांड लेके जम्मू यूनिवर्सिटी में बीसी सर के पास मिलने आए हैं, हमने मेमोरेंडम भी दिया है हमारे जहाँ पे सर को, और सारे बच्चे जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिमांड को लेके, हमें अप्रैल 14 की नोटिफिकेशन निकाल दी है, इन्होंने डेट शीट निकालने वाले हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, और बच्चों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, सब पेपर ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है कि पढ़ाओ आप ऑनलाइन तो पेपर लो आप ऑफलाइन? पेपर भी ऑनलाइन लीजिए ना, क्यों नहीं लिए? 2 महीने हो गए क्लासेस लगी को, बच्चों को पढ़ाया कुछ नहीं है, एक दो चैप्टर करा दिया भाई सारा सिलेबस हो गया, कैसे हो गया? देश का भी विषय कभी रोडों पर आ रहा है, यूनिवर्सिटी मार खा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, हम मार खाने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ पे, हम पढ़ने के लिए आए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, हमारा दिल नहीं करता प्रोटेस्ट करने को। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे साथ इंसाफ करेगी, हम भी इनके साथ कंधा लगा के कंधा चलेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे साथ गलत करेगी, हम खिलाफ चलेंगे।